में स्प्लिट, दो क्लासेस में स्प्लिट करके आपको पूरा कंप्लीट कर दो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट व्हेनेवर वी अप्रोच द पेशेंट और एंटर द रूम, सो ये चीजें हमें मैंडेटरी करनी होती हैं। इस चीजों पे आपको मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज डू यू एंटर द रूम, ठीक है, यू वॉश और सैनिटाइज योर हैंड। प्रोबेबली आपको सैनिटाइज करना होगा क्योंकि साइड में सैनिटाइजर, या पे इवन जस्ट मेक अ गेस्चर कि आप सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जामिनर को आइडिया हो कि हाँ इसको सैनिटाइज करने का आइडिया है, ठीक है। इसी दौरान आपके कोशिश करें कि वाइड आई लेंस यूज करें। वाइड आई लेंस का मतलब ये होता है कि यू लुक एट द सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है तो लाइकली द पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड है जब भी उसके लिए उधर रखा हुआ है, ठीक है। कोई नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन रखी हुई मशीन, जैसे आपकी बाइपैप या सीपैप मशीन रखी है, तो इससे आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी पेशेंट है और हमें उसी चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अब कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक है पेशेंट को, या फिर कोई वो चल रही है उसकी, कोई क्रॉनिक इलनेस चल रही है, तो उसमें हम लोग वॉकिंग स्टिक्स या व्हील चेयर साइड में कहीं ना कहीं रखी होती है, तो इससे हमें काफी चीजें क्लूज मिल जाते हैं। एंड और फिर नेबुलाइज किट है, तो इससे भी आइडिया हो जाता है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी का पेशेंट है। इसमें एक और चीज होती है कि हमें देखते हैं कोई स्प्यूटम स्पॉट तो नहीं पड़ा हुआ पीछे, पॉट तो नहीं रखा हुआ कहीं, जिसमें अंदर पेशेंट से आइडिया होता है कि पेशेंट इस प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, ताकि वो वहीं स्पिट आउट कर दें। फिर उसका जब हमने वाइड हैंड जब तक हमने वॉश किए, हमने सराउंडिंग्स देख ली वाइड, हमने फिर उसका हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत कीप इट सिंपल, इंट्रोडक्शन किया जाता है जैसे माय नेम इज डॉक्टर ज़िया फारूकी, या फिर अपना सरनेम यूज करते हैं माय नेम इज डॉक्टर फारूकी एंड आई एम अपॉइंटेड टू एग्जामिन यू टुडे, या फिर आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ टुडे। इंट्रोडक्शन इज कीप इट वेरी सिंपल। फिर उसका देन यू हैव टू टेक अ कंसेंट। अब कंसेंट में इस तरह होता है जैसे माय नेम इज डॉक्टर फारूकी, आई एम द डॉक्टर टुडे एंड आई विल बी लुकिंग आफ्टर यू टुडे, इज इट ओके इफ आई स्टार्ट एग्जामिनिंग यू, और फिर through if any process throughout the procedure if you feel uncomfortable or pain just let me know, I will stop it right there, ठीक है। So इसमें एक तरीके का आपने consent भी ले लिया है और इसके बाद आपने उसको बता भी दिया है कि you are in good hands, और इससे थोड़ा आपने confidence gain कर लिया, तो patient थोड़ा comfortable हो जाता है, ठीक है। Continue करें हम लोग। ठीक है, सो एवरी एग्जामिनेशन, ऑल द एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनके चार स्टेप्स होते हैं, आपको पता होना होगा कि इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। कुछ एग्जामिनेशन में कम ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कोई परकशन नहीं करेंगे, कुछ ऑस्कल्टेट नहीं करेंगे, तो ये दो चीजें हमारी चलेगी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। अगर हम लोग चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट के अंदर यह है कि इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन सब कुछ करते हैं हम लोग। आपकी न्यूरोलॉजी की बात हो गई, न्यूरोलॉजी में ऑस्कल्टेशन नहीं करते हम लोग। एंड फाइनली हमारी कार्डियो की बात होगी, कार्डियो में हम लोग ज्यादातर परकशन नहीं करते, वेरी रेयरली हायर उसमें हम लोग परकस करते हैं हार्ट को पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने के लिए, लेकिन एट योर लेवल हम लोग नहीं करते परकशन। सो लेकिन जनरल आइडिया ये होना चाहिए कि इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये चारों चीजें किन किन में करते हैं, पल्मोनोलॉजी में करते हैं और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में करते हैं हम लोग। बाकी और कार्डियोलॉजी में हम लोग परकशन नहीं करते, न्यूरोलॉजी में हम लोग ऑस्कल्टेशन नहीं करते, एंड देन फाइनली जीपीई में हम लोग दोनों परकशन और ऑस्कल्टेशन नहीं करते, ठीक है। अब आता है आपकी किट। जरूरी है जब भी हम लोग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आपकी किट होनी पूरी चाहिए। इसमें किट में क्या क्या आता है, आपका स्टेथोस्कोप आता है, आइडियली आपके स्टेटोस्कोप होना चाहिए कि दोनों बेल एंड डायफ्राम दोनों होने चाहिए। जो आपके कार्डियोलॉजी में होते हैं उसमें बेल नहीं होता, सिर्फ डायफ्राम होता है, तो वो आइडियली चीजें नहीं होती, एट योर लेवल नहीं होती। तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगी आप लोग स्टेथ रखें तो फिर दोनों स्टेथ वो बेल एंड डायफ्राम वाला स्टेथ रखें। दूसरा है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये आपको होना चाहिए जब आपको जीपीई का एक्सपेक्टेशंस करें, क्योंकि जीपीई के वन ऑफ द एग्जामिनेशन जीपीई इज गेटिंग द पेशेंट वाइटल्स, वाइटल्स में आपको स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए। फिर है आपके पास थर्मोमीटर, टॉर्च, वुडन टंग प्रेशर एंड मेजरिंग टेप। ठीक है, सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बहुत सारी चीजें होती है हमें देखनी होती है। इसमें वी स्टार्ट विद द जनरल अपीयरेंस, फिर उसका देखते हैं हम लोग हेड एंड आर्म्स,
ठीक है। सो बेसिकली ये हुआ कि आप एंटर हुए पेशेंट को, आपने अप्रोच किया है, अप्रोच करने के बाद आपने हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करने के बाद आपने इंट्रोड्यूस किया है, हैंड वॉश के दौरान आपने सराउंडिंग्स देखी है, उससे भी आपको जनरल अपीयरेंस का एक आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस किया है, कंसेंट लिया है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद अब आते हैं हमारी एग्जामिनेशन जनरल फिजिक्स में। आइडियली ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम द हैंड्स एंड देन वी गो अपवर्ड्स, फिर उसके बाद डाउनवर्ड्स आने फुट। पहले हम लोग हैंड्स जाएंगे, हैंड्स के बाद हमने हैंड्स में नेल्स भी देखे, नेल्स के बाद हम लोग स्किन देखेंगे, कोई पैचेस परपुरा वरपुरा तो नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर फेस पे जाएंगे, फेस के बाद हम लोग आई देखेंगे। फेस के अंदर आपके बहुत से कंडीशन होती है, आपको मैं दिखाऊंगा कि हमें फेस में क्या क्या नजर आ जाता है ना, जो गिव अवे हिंट्स होती है डायरेक्ट, कि आप बोलते हैं कि डायरेक्टली हाँ ये हो सकता है। फेस के बाद हम लोग जाते हैं आईज में, आईज में हमने देखना है नीचे एनीमिया वो सारा कुछ देखना है, वो भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आईज के बाद माउथ देखते हैं, माउथ की कैविटी देखते हैं, माउथ के अंदर देखते हैं हाइजीन कैसी है और सराउंडिंग टिश्यूज भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक, नेक के अंदर हम लोग देखते हैं कोई इनकॉर्जमेंट्स तो नहीं है पेशेंट की, कोई पेल्पेट्री कोई वो तो नहीं, वेसल्स तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग आते हैं लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल अलग से लेक्चर लूंगा, उसके अंदर काफी डिटेल्ड होता है लिम्फ नोड्स का। लेकिन लिम्फ नोड्स का जब हम लोग नेक एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हम लोग लिम्फ नोड्स भी एग्जामिन कर लेते हैं, वो एक एक आपको स्टेप्स बता दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर हम लोग एडिमा देखते हैं, एडिमा हमारे दो एडिमा होते हैं, एक हमारे पास सैक्रल एडिमा होता है, एक हमारे पास फीटल एडिमा होता है, तो ये दोनों हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद वाइटल साइंस, अब वाइटल साइंस में दो चीजें होती हैं, या फिर यू कैन जस्ट टेक इट राइट अवे। अब जैसे ही हम लोग हैंड्स में आते हैं कंसेंट कर वाइटल साइंस ले लें, नॉर्मली वाइटल साइंस आपको जो एग्जामिनर होता है वो ओमिट करा देता है, वो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि इसका ब्लड प्रेशर इतना है, इसका रेस्पिरेटरी इतना है, पल्स नहीं, टेम्परेचर इतना है। लेकिन आपके पास किट पूरी होनी चाहिए, कभी एग्जामिनर के आपकी टेक्निक देखना चाहता है किस तरह ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, किट पूरी होनी चाहिए और ये सब चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यू कैन टेक एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन सारे वाइटल्स, और यू कैन टेक एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके उस पर भी हाफ होता है, या फिर जब भी आप बोले मतलब वाइटल साइंस में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उससे फिर आप एग्जामिनर ज्यादातर खुद ही मना कर देता है, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम होता नहीं, नॉर्मली आपके पास 2 मिनट से 3 मिनट्स होते हैं जो आपको करना होता है, टास्क कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। इधर तक सही है, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सो जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस में क्या है कि आपका जस्ट बाय लुकिंग एट द पेशेंट किस तरह आपको लग रहा है, इज इट अ सिक लुकिंग पेशेंट, इज इट अ हेल्थी पेशेंट, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। जब आप बहुत सारे मरीज देखते हैं तो आपको जस्ट बाय गिविंग अ जनरल लुक आइडिया हो जाता है कि पेशेंट इज एक्चुअली इल, या फिर पेशेंट हेल्थी है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं इनको। दूसरा आपका फिर बॉडी बिल्ड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, ये BMI के थ्रू में पता चलता है आप किससे पेशेंट है, थिन लीन पेशेंट है, फैट ओबीस पेशेंट है, या फिर बेस्टेड पेशेंट है, इससे आपको बॉडी स्टेटस न्यूट्रिशन स्टेटस पता चल जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए तो आपको BMI निकालना होता है, BMI आपका हाइट एंड वेट को डिवाइड करके फिर निकलता है BMI, 18 to 24 आपका नॉर्मल BMI होता है। फिर उसका आता है स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अवेयरनेस में आइडिया क्या है, हाउ इज हिज मेंटल स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल एल्डरली पेशेंट है, कंफ्यूज्ड है, नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेंगे, अगर वो बता पा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम पूछा, आपने बस यही पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है अभी, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ इज ही ओरिएंटेड ऑफ द टाइम प्लेस, या फिर इज ही कंफ्यूज्ड। इससे अच्छा फेशियल फीचर्स है, कुछ फीचर्स होती हैं जैसे आपकी है एक्रोमेगैलिक फीचर्स होती हैं, तो आपको मैं आपको आगे पिक्स दिखा दूंगा एक्रोमेगैली वगैरह की, जिससे फेशियल फीचर्स में यही आता है कि पार्किंसंस की तो लुक नहीं दे रहा, हाइपोथायराइड की लुक तो नहीं दे रहा, या फिर आपकी कुशिनॉइड लुक तो नहीं दे रहा, तो इससे आपको आइडिया। पोस्चर्स में आपकी काफी मैकेनिकल कंडीशंस में पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आगे झुका हुआ तो नहीं है, कोई इसको स्पाइन के डिसऑर्डर्स तो नहीं है, एंड पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में सबसे आइडिया आपको ज्यादातर आपकी साइकेट्रिक कंडीशंस का पता चलता है, या फिर कोई निग्लेक्टेड पेशेंट, फॉर एग्जांपल कोई यंग पेशेंट है जो क्रॉनिक इलनेसेस के साथ है, पुअर पर्सनल हाइजीन है, इसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आइडियली द पेशेंट इज गेटिंग निग्लेक्टेड, नॉर्मली ये पेशेंट निग्लेक्ट हो रहा है।
अब ऐसा ही पेशेंट है आपके पास जो एल्डरली पेशेंट है, बेड बाउंड पेशेंट है, बड़े बड़े बेड सोर्स हुए हुए हैं, पुअरली ट्रिम्ड वो नेल्स हैं, पुअर माउथ है, तो इससे आपको आइडिया होता है कि पेशेंट निग्लेक्टेड है। दूसरा ये हो सकता है सिनेरियो कि यंग मेल है, फैमिली सराउंडिंग अच्छी है, लेकिन पुअर हाइजीन है। इसमें ये हो सकता है कि कोई साइकेट्रिक इलनेस ना हो, पेशेंट डिप्रेशन का शिकार ना हो, पेशेंट और कोई स्किज़ोफ्रेनिया ये चीजें ना हो, तो उनकी पर्सनल हाइजीन बहुत पुअर होती है। अब आते हैं हम लोग एक एक चीज पर, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज हैंड्स एंड आर्म्स। तो हैंड्स के अंदर हम लोग नेल्स देखते हैं, नेल्स के अंदर कोलिनेकिया, लुकिनेकिया, निकोटिनिक स्टेनिंग। अब नेल्स के अंदर ये जो आपसे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है, एक तो क्लबिंग देखना, क्लबिंग किस तरह दिखता है मरीज का, कोलिनेकिया क्या है, लुकिनेकिया क्या है, निकोटिनिक स्टेनिंग क्या है। क्लबिंग बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इस डिजीज का। अब इसमें क्या होता है कि क्लबिंग सिंपल फेमिलियल भी होता है टू पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजी में आपकी क्लबिंग इवन कंडीशंस लाइक रेस्पिरेटरी कंडीशंस, हार्ट कंडीशन, इवन कंडीशन ऑफ थायराइड एंड गट, तो क्लबिंग बहुत बड़ी डीडी होती है इसकी। आपका आपके लेवल में क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए पेशेंट को क्लबिंग है या नहीं है, इसलिए मैं आपको डिग्रीज वगैरह नहीं बताऊंगा। बस प्रॉबेबली आपका पेशेंट नॉर्मल पेशेंट बैठा होगा, आपको टेक्निक देखनी है हाउ टू क्लबिंग को किस तरह देखते हैं, वो आगे आपको बताते हैं। कोलिनेकिया ये बैंड बन जाता है, लुकिनेकिया एंड निकोटिनिक स्टेनिंग। निकोटिनिक स्टेनिंग्स आपकी जो होती हैं ये बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग्स की होती है, तो आप इनकी इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर के बीच में देखेंगे ज्यादातर इधर निकोटिनिक स्टेनिंग, क्योंकि वो सिगरेट्स यूज करते हैं, तो उसका जो जो बॉटम एंड होता है वो आपके इधर शो होने लग जाता है। तो दिस इज अ गुड हिंट कि आपको देखते ही आपको पता चलता है कि पेशेंट इज एन स्मोकर। वैसे निकोटीन नहीं होती वो, ये आपका मिसनोमर है कि निकोटीन नहीं होती, इट्स द डाई ऑफ द वो होता है टार स्टेनिंग, आइडियल वर्ड इज द टार स्टेनिंग, लेकिन क्योंकि पहले से चलता हुआ था इसलिए निकोटिनिक स्टेनिंग हम लोग कहते हैं। अब है पामर एडमा। पामर एडमा क्या होता है, इट्स रेडनेस ऑफ द पाम। अब रेडनेस ऑफ द पाम क्या है कि अगर एक अच्छा विद गुड अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी तो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करेंगे तो पेशेंट का पाम रेड होगा, ठीक है, रेड है। अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा ये पामर एडमा है या फिर ये नॉर्मल अच्छा है, तो आई विल जस्ट प्रेस इट। अब प्रेस करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे देन गोज रेड, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि पेशेंट का अच्छा ब्लड सप्लाई है। लेकिन अगर ये पामर एडमा होता तो पामर एडमा even by pressing it तो आपका लाल वाला पार्ट नहीं जाता, ठीक है। सो बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें पामर एडमा होता है। पामर एडमा में ये भी जैसे आपके क्लबिंग है, ये भी पामर एडमा में बहुत सी कंडीशंस होती हैं, फ्रॉम द रेस्पिरेशन से लेके गट से लेके इवन थायराइड में, ये सब चीजों में तकरीबन आ जाता है। इसकी बहुत लंबी डीडी होती है, इस पे आप कंफ्यूज ना हो। आपका मेन टास्क क्या है कि पेशेंट को पामर एडमा है या नहीं, ठीक है। अब आता है Dupuytren contraction। Dupuytren contractions क्या होते हैं, बेसिकली आपके स्मॉल फिंगर एंड द रिंग फिंगर ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। ये भी क्रॉनिक कंडीशंस में होता है। अभी देखें यहाँ वाले जो आपके वो होते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, आपको नजर आ रहा है सही, होपफुली, ठीक है। सो ये चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो ये भी क्रॉनिक कंडीशंस में होता है। ये आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा दिस इज Dupuytren contraction, ये नहीं है। अब है फाइनली इस हेपेटिक फ्लैप, या फिर हेपेटिक फ्लैप से ज्यादा अच्छा तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लैपिंग ट्रेमर्स। अब जब भी आप हाथ में होते हैं तो वी आस्क द पेशेंट टू आप आगे फ्रंट करें हैंड और इस तरह आप करें, ठीक है। सो अगर फ्लैपिंग ट्रेमर्स है मरीज को, अब फ्लैपिंग ट्रेमर्स मैंने क्यों हेपेटिक फ्लैप्स नहीं करा, क्योंकि फ्लैपिंग ट्रेमर्स आपके एक तो हेपेटिक इलनेसेस में आ गए जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई, दूसरा आपकी कंडीशंस होती हैं फॉर एग्जांपल COPDers, CO2 नार्कोसिस वाले पेशेंट। अब CO2 नार्कोसिस वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी फ्लैप्स आ जाते हैं, तो फ्लैप्स किस तरह आएंगे, आप इस तरह पेशेंट को करेंगे तो वो हल्के हल्के आगे इस तरह गिरेगा, ठीक है। तो ये फ्लैपिंग ट्रेमर्स होता है। आप एक दफा आप उस पर देख लेंगे, इंटरनेट पे देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज पूछनी है इधर, अरे ठीक है। सो दिस इज द क्लबिंग। अब ये आपके क्लबिंग की ग्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है कि नॉर्मल एंगल ऑफ द बेड। अब आप देख रहे होंगे कि बेड आपका बिल्कुल नॉर्मल है और कर्वेचर नहीं है उसके नेल्स के ऊपर, तो दिस इज अ नॉर्मल एंगल और एंगल आ रहा है आपका।
अब आ रहा है आपके क्लबिंग, ये जो क्लबिंग आपको दिखा रहे हैं इसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं, दिस इज ग्रेड फोर क्लबिंग, ठीक है। सो ड्रम स्टिक्स के अंदर आपका क्या होता है कि आपके हैंड्स बिल्कुल ड्रम स्टिक्स जैसे हो जाते हैं। अब इसके अंदर दिस इज अ राइट गिव अवे कि ये क्लबिंग है। अब आप इससे टेस्ट किस तरह करते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है जिसमें शो किया हुआ है कि आप सर्कल बनवा, आप ट्राइंगल बनवाते हैं, या फिर इस तरह करेंगे। इस तरह में आपको जैसे आप अपना करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, डायमंड शेप सा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, विंडो बन रहा है डायमंड शेप, जैसे अगर ताश का जो डायमंड होता है उसका शेप का, ठीक है। सो इस तरह का डायमंड शेप आएगा। अगर ये क्लबिंग पेशेंट को होती है तो ये डायमंड शेप लॉस्ट हो जाता है। अब आता है इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप कार्ड लेते हैं, एनीथिंग, कोई कार्ड नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। सो आप कार्ड लेते हैं, कार्ड लेके आपको इस तरह रखेंगे, इस तरह आपको स्पेस नजर आनी चाहिए। अगर स्पेस नजर नहीं आती इसके मायने के स्पेस नजर नहीं आ रही, इसके मायने पेशेंट को क्लबिंग है, ठीक है। और मेक श्योर आप बिल्कुल लेवल पे आए पेशेंट का। अगर नीचे बैठा हो तो नीचे बैठ के देखें, आपकी बिल्कुल परपेंड वो होनी चाहिए, पैरेलल आपका वो होना चाहिए विजन, ठीक है। तो दिस इज क्लबिंग। अब ये क्या है जल्दी से बताएं, लिख के बताएं, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट क्लास कितनी देर में? 2:50 फिर बता देना उन्हें बोल दे। यस वेरी गुड। सो लुक इन क्या बेसिकली क्या है, ये एल्बुमिन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन ये किन पेशेंट में एक्सपेक्ट करते हैं जिनमें एल्बुमिन कंडीशन, मोस्ट कॉमन कंडीशन इज सीएलडी, ठीक है। बाकी एल्बुमिन में बहुत सी चीज होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स एंड दे एंड अप हैविंग ल्यूकेमिया, वेरी गुड, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, ये वाली क्या है फिगर जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ है, ये जल्दी बताएं। वेरी गुड। सो दिस इज कॉलिनेकिया। कॉलिनेकिया क्या क्या है बेसिकली, देयर इज spooning of the nails. ये usually patients में आते हैं जो malnutrition, iron deficient patient होते हैं. Most आपको जो common patient इस तरह मिलेंगे, एक तो या फिर बहुत malnutrition patient है, या फिर pregnant females है, especially जो आपके गरीब तबके के लोग होते हैं उनके अंदर ये आता है आपका। अब ये क्या है with the white background? वेरी गुड, दिस इज निकोटिनिक स्टेनिंग। अब आप इसमें आप ये देखें निकोटीन की स्टेनिंग या फिर टार स्टेनिंग, ये आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ गिव अवे हिंट। अब दिस इज पामर एरिथमा। अब आपने देखा होगा कि ये लाल, मतलब नॉर्मल लाल से ज्यादा लाल हो रहा है ना, एंड दिस डज नॉट गो अवे इफ यू ब्लेंच इट। So this is palmar erythema, and this one is Dupuytren contracture. अब ये देखें, contracture बन गया है और small finger and the ring finger ये को contract कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास arms में हम लोग क्या देखेंगे, basically ये देखते हैं हम लोग के patient का general status कैसा है। अब पेशेंट को स्पाइडर नेवाइज बहुत कॉमन है, टेलिंजेक्टेटिक लेजन है। बेसिकली द वर्ड टेलिंजेक्टेसिया क्या है कि एवी में फॉर्मेशन है, आपकी आर्टरीज और वेन्स मेल फॉर्म कर गई हैं, विच इज नॉट सपोज टू डू इट, और उसके बाद एक छोटा सा वो बन गया है, एक क्लस्टर सा बन गया। वो आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा उसका आइडिया आएगा। स्पाइडर नेवाय बहुत कंडीशंस में होता है, स्पेशली सीएलडी के पेशेंट्स में, तो ये आपका वन ऑफ द साइंस ऑफ सीएलडी है स्पाइडर नेवाय, इसलिए आपको याद रखना है। bruising, wasting and scratch marks से ये हो सकता है कि usually जो cholestatic patients होते हैं उनमें itching की ज़्यादा tendency बढ़ जाती है, even patient with CKDs या फिर कोई और allergic dermatitis हो या फिर scabies हो, ये सारी चीजें scratch marks ला सकती हैं आपको। तो wasting आपको दो चीजों से पता चलता है, एक तो आप
दिस डॉर्सल ऑफ द हैंड्स देखेंगे, डॉर्सल हैंड्स में आपको क्या नजर आता है, डॉर्सल गटरिंग्स नजर आती है, ठीक है. ये जो आपके दिस इज, ये जो नॉर्मली जो मेरा हाथ है, इसके जो आपके नकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाती हैं, तो ये डॉर्सल गटरिंग कहते हैं. तो इसका इट्स अ साइन ऑफ वेस्टिंग हैंड्स की. सामने हम लोग देखेंगे थिनारा एपिडर्मिस, हाइपर थिनारा एपिडर्मिस, तो ये दोनों वेस्टेड भी हो सकती हैं, ठीक है. ये आपके हैंड्स में नजर आ रहा है, आर्म्स में आपको नजर आता है, आपको ये जो पूरा शिन ये है आपकी एल्बो, ये जो आपकी फोर आर्म है, फोर आर्म को आप बिल्कुल इस तरह रखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा इस तरह, ये आपका पार्ट इस तरह आप देखेंगे, तो ये जो आपका मास है ये आपका खत्म हो जाता है, ठीक है. ये आपके साइंस ऑफ वेस्टिंग्स होते हैं. समझ आई यहां तक? तो आपकी जो वेस्टिंग्स होती हैं, वेस्टिंग्स आपके दो तीन जगहों पे हम देखते हैं हैंड्स में. एक तो आपकी डॉर्सल गटरिंग देखते हैं, इसको डॉर्सल गटरिंग कहते हैं. हैंड है, हैंड के अंदर नकल्स के बीच में स्पेस है, ये देखिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये आपकी बिल्कुल डिप्रेशन आ जाती है, तो इसको हम लोग डॉर्सल गटरिंग कहते हैं. फ्रंट में थिनार है, हाइपोथिनार है, तो ये दोनों वेस्टेड हो जाती है, तो इसमें आपका वेस्टिंग हो रही है मरीज की, ठीक है. तीसरा है, आप पेशेंट को कहते हैं हैंड इस तरह करें, हैंड्स में इस तरह, ठीक है. इस तरह आप इस तरह देखेंगे तो ये वाला साइड आपको देखना है पूरा, आपके फोरआर्म्स के, फोरआर्म्स में आपकी फोरआर्म्स की जो मीडियल लैटरल एस्पेक्ट है वो आपका वेस्टेड हो जाता है, ठीक है. ये आप एक दफा उस पे देखना, इंटरनेट पे देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा. तो दीज आर द साइंस के आपको किस तरह पता चलता है. अब दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पाइरोनिमाई. अभी देखिए मैंने क्या बताया था, व्हाट इज स्पाइरोनिमाई, स्पाइरोनिमाई इज अ क्लस्टर ऑफ एवी मेलफॉर्मेशन, आर्टरी वीनस मेलफॉर्मेशन. अभी देखेंगे इधर से आर्टरी आ रही है, इधर से वीनस आ रही है, बीच में क्लस्टर फॉर्म बन गया. तो एक तो ये स्पाइडर वेब की तरह होता है, इसलिए स्पाइरोनिमाई हम लोग कहते हैं. ये दीज आर नॉन ब्लेंचेबल, आप इस पे रखेंगे कुछ तो ये ब्लेंच नहीं होते. ब्लेंच मतलब कि दबेंगे तो ये जाएंगे नहीं, ठीक है. दिस इज अ साइन ऑफ सीएलडी, या बहुत सी ज्यादा करें लेकिन आप सीएलडी तक याद रखें. This is what we call a bruise. Simple trauma हुआ है, trauma के बाद आपके पास वो blood clot हो गया, उस पर हो गया. अब आ जाते हैं हम लोग face and eye. Face eyes के अंदर हम लोग, ये तो basics आपको आपको idea होगा कि conjunctiva हम लोग देखते हैं. हम लोग हमने hands पूरे complete कर ले, हम लोग face पे और eye पे जा रहे हैं. Eye पे हम लोग क्या करेंगे, ask the patient to look up. आप लोग भी आज तक, अच्छा आइडियली दोनों से देखा करें, ऑलवेज कंपेयर फ्रॉम द अदर साइड, राइट. तो अब करेंगे, अब करके देखेंगे हम लोग. तो इसके अंदर अगर पेल है तो लाइकली एनीमिया है. फिर हम लोग उससे बोलेंगे हाँ, अगर पेल है तो एनीमिया की तरफ है. फिर वील आस्क द पेशेंट टू लुक डाउन, we'll ask the patient to look down, और आपको अपर साइड ऑफ द आईलिड लिफ्ट करेंगे, और आइडियली इट शुड बी सनलाइट के अंदर देखना होगा. तो बहुत स्लाइट सा जॉन्डिस जो बिल्कुल माइनर जॉन्डिस है वो सनलाइट के अंदर नजर आता है. लेकिन नॉर्मली अगर आप we'll ask the patient to look down and lift the eyelids up, तो हमें sclera वो नजर आ जाता है जॉन्डिस का, yellowish discoloration of the skin. फिर है कॉर्निया, KF rings ऐसे नजर नहीं आती, डायरेक्ट स्लिट लैंप से नजर आती है. KF rings किस कंडीशन में होती है, आवाज क्या आई मेरी, कंडीशन का क्या नाम है, वेरी गुड, इट्स विल्सन्स. कौन सी विल्सन्स, विल्सन्स के दो वेरिएंट होते हैं ना, ठीक है. खैर है, न्यूरो विल्सन्स में होता ही है, न्यूरो विल्सन्स वेरिएंट में आपकी केएफ रिंग्स आती है, आपकी
हेपेटिक विल्सन में नहीं आती केएफ रिंग्स, बहुत एडवांस स्टेजेस में आपको केएफ रिंग्स आए थे. अच्छा, केएफ रिंग्स आपको डायरेक्टली नजर नहीं आते, इट ओनली कैन बी सीन थ्रू अ डायरेक्ट स्लिट लैम्प. ठीक है, लेकिन कॉर्निया में देखना होता है, इसलिए आपको इसमें मैंने वाला थोड़ा सा बता दें आपको. अच्छा, व्हाट इज लेंथलेसमिया? नहीं. अच्छा चलें, किस कंडीशन में होता है लेंथलेसमिया? व्हाट इज पीवीसी जो मैं लिखा हुआ आगे? उनसे बात हो गई. प्राइमरी, हाँ यस, इट्स पीवीसी इज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, वेरी गुड. कॉलेंजाइटिस, ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ सिरोसिस. हाँ, so xanthelasma is because of the deposition of lipids, very good. So hypercholesterolemia mein ho gaya. Ab aapko main aapko ye dekhen kf rings to aap ye, this is brown discoloration of the iris, theek hai. This is xanthelasma, aap ye dekh lenge. This is in xanthelasma kehte hai, ye bahut common si condition hote hain aur usually elderly mein waise bhi aa jata hai. It doesn't mean ki ye lipid deposition ki wajah se ho raha hai, ye familial bhi hota hai. Lekin जिस पेशेंट्स में ये आ रहा है, get them tested for the lipid profiles, right? So ये है आपका xanthelasma. और तीसरी कंडीशन जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती है, ये है पीबीसी में, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में. अब आता है आपका जॉन्डिस. दिस इज येलो डिस्कलेशन ऑफ द ईयर. ये तो बहुत डीपली जॉन्डिस है, और डीपली जॉन्डिस वाले पेशेंट्स क्या होते हैं, वो आपकी स्किन भी येलो होने लग जाती है, आपका स्टूल भी येलो हो जाएगा, आपका यूरिन भी येलो हो जाता है. तो इतना जॉन्डिस बॉडी में रहता है कि आपकी फुल बॉडी येलो हो जाती है. फिर आपका आता है एनीमिया कंजक्टर. ये आपको बेसिकली एनीमिया देखने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस दैट. आपको बहुत से पेशेंट्स आप देखेंगे, फिर आपको आइडिया आएगा कि पेशेंट को देखते ही कि एनीमिया है या नहीं है. तो इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है. अब आते हैं हम लोग फेसेस में. अब आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम फेसेस जो राइट अवे गिव अवे होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइपोथायराइड फेस होता है. हाइपोथायराइड फेस में क्या होता है, पेशेंट का एपेथिक फेस होता है. देयर इज नो कोई रिएक्शन नहीं होता. पेशेंट बहुत ज्यादा चुपचाप कोने में इमोशनलेस बैठा होता है. दूसरा ये होता है, इनकी आईब्रोज उड़ी आती हैं. तीसरा ये होता है, इनका कोर्स स्किन बहुत थिक सी हो जाती है, आपको कोर्स ड्राई स्किन लगती है. तो इससे आइडिया होता है कि दिस इज एन हाइपोथायराइड फेस, और इनका पफी सा फेस होता है. ठीक है, आगे चाहे अब है, अब ये आपका टास्क है, ये वाला फेस कौन सा है और ये वाला फेस. पहले स्टार्ट विद दिस, ये आपका टास्क है, ये बताएं ये किस क्या फेस है, इसमें क्या शो कर रहे हैं हम लोग, फीचर्स बताएं. वेरी गुड, इसमें फीचर्स बताएं मुझे, क्या व्हाई आर यू सेइंग एक्रोमेगेली के लिए. ठीक है, और बटरफ्लाई रैश नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, इसकी बात नहीं कर रहा. वेरी गुड, हैंड एनलार्जमेंट या फिर स्पेड लाइक हैंड्स, वेरी गुड. फोरहेड रिंकल्स लॉस, ठीक है. प्रोमिनेंट फोरहेड होता है, प्रोमिनेंट फोरहेड होता है, उनका रिज बहुत बाहर होता है. दूसरा, नेजल का क्या है, इनके तकरीबन आप इस तरीके से देखना, ये सारे बॉडी पार्ट्स आपके नहीं, इस पिक्चर के बाद. खैर एनीवे, आपका जो मेन जनरल आइडिया क्या होता है, यस ब्रॉड नेजल हो जाती है आपको. दूसरा होता है, आपके कान भी बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं. बाकी प्रोट्रूडेड फोरहेड, प्रोट्रूडेड जॉ, एग्नेंथीसिया भी कहते हैं इसमें. क्या होता है कि एग्नेंथीसिया क्या होता है कि आपका जो, क्योंकि जॉ प्रोट्रूड आउट हो रहा है, तो अपर टीथ एंड लोअर टीथ दे डोंट कोइंसाइड जब आप क्रंच करते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टेस्ट जो हम लोग एक्रोमेगैली में यूज करते हैं. तो हम लोग व्हेनेवर वी क्रंच द टीथ, तो ये अलाइन हो गए हमारे. लेकिन बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द जॉ, इनके इन द केसेस ऑफ एक्रोमेगैली, ये अलाइन नहीं होते. और इनमें टीथ में स्पेसेस होती है, क्योंकि इनका जॉ बढ़ जाता है तो टीथ में स्पेसेस आ जाते हैं. ठीक है,
अब ये बताइए क्या है, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्लेथरा, ये प्लेथरा है, यस इट्स कुशिनोइड, कुशिनोइड मून शेप फेज है, प्लेथरा हो रहा है इनको, ये कुशिनोइड फेज है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके बाद अब आपके काफी चीजें और रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमने फेस तक एंड आई तक आया, माउथ नेक एंड लिम्फ नोड्स ये रहते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कराऊंगा। कोई चीज पूछनी है अभी बता दें, चलें ठीक है। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आई हो।